समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। सोना में निकाय चुनाव नगर परिषद के चल रहे हैं। चेयरमैन उम्मीदवार यहां पर लेखराज की धर्मपत्नी अंजू को उतारा है। हमारे बीच में आज चुनाव प्रभारी मौजूद हैं गोयल साहब। गोयल जी, क्या देखते हैं इस बार हरियाणा में 46 जगह चुनाव, उसके बाद सोना ऐसा बताया जा रहा है कि खास चुनाव बन गया है, कितनी सत्यता है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस स्तर पर देखती है? देखिए, सोना के अंदर पहली बार जो ये निकाय चुनाव परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर लड़ रही है और जिस तरीके का माहौल और लोगों के अंदर उठता है, भारी मतों से रणजीत देवी हमारे प्रत्याशी वो जीत दर्ज करेगी। और सोना के लोग बहुत विजिलेंट, पॉलिटिकल विजिलेंट लोग हैं। जानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सोना का विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार परिषद के अंदर बनाएगी, तभी सोना का विकास होगा। विधायक आपके हैं, अध्यक्ष आपके हैं, उसके बाद प्रदेश में सरकार आपकी है, क्या विकास में कोई कमी है? विकास के अंदर कोई कमी नहीं है। पिछले दो साल जो जिस तरीके से बाधित, थोड़ा बहुत डिले विकास के अंदर पूरे प्रदेश, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड महामारी की वजह से हुआ, लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले 6 महीने से कितनी तेज़ी से विकास के काम मुख्यमंत्री जी हर विधानसभाओं में जा जाकर रैली करने का, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली करने का काम कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की सौगात जो वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। सोना भी उसके अंदर आता है। अभी काफ़ी बड़ी योजनाएँ मुख्यमंत्री जी यहाँ के लिए अनाउंस करके गए हैं और जब यहाँ की परिषद भारतीय जनता पार्टी की होगी 100%, तो वैसे ही एक अलाइनमेंट का काम कि जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में सरकार है, लोकल विधायक हमारा है, तो मैं समझता हूँ सोना के विकास को और 4 चांद लग जाएंगे और तेजी आ जाएगी। आपके बीच में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बताया जा रहा है मुकाबला दिलचस्प है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार हमारे भी जीतने के चांस है, ये कितना सत्यता है? कि आम आदमी पार्टी क्या कोई कैंडिडेट भी जब चुनाव लड़ता है, चाहे उसके पास घर घर के 10 वोट हो, लेकिन वो भी यही कहता है ना कि मैं जीतता हूँ, मैं जीतूँगा। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, ज़्यादा बीजेपी का संगठन था, गोवा के अंदर सरकार चुनाव लड़ा, तो अनेकों जगह पर इनके खाते भी नहीं खुल सके, वही काम हरियाणा में होने जाना है। वही निकाय पंजाब जीत लिया, निकाय चुनाव के लिए कहा था पंजाब के अंदर हमारा संगठन सरकार बनाने के पर नहीं था, हमारा संगठन अपने छोटे पार्टनर के रूप में सरकार के अंदर रहा है। उसमें जहाँ जहाँ मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर देखा आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, किस तरीके का लोगों ने अपना फैसला सुनाया। तो हरियाणा के अंदर भी कोई कहने की बात नहीं है, निकाय चुनाव 19 तारीख को चुनाव होने उसके कई दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे। मंत्री जी, आप पुराने मजहबी व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपके हमेशा आंकड़े बड़े सॉलिड और मैंने देखा है मीडिया में बहुत ही अच्छे रहे, तो क्या लगता है 41,000 वोट है, वोट कितना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितने वोट या कितने अंकों से आग रहेगी? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। छत कमल सोना के अंदर खेलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की बात होगी। लोगों ने अच्छे तरीके से सब तरीके के शासन देख रखे हैं, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो और निकाय चुनाव होंगे, आप देखोगे कमल। कल ओम प्रकाश धनखड़ पहुँच रहे हैं सोना, क्या रणनीति है, कहां से कहां तक जाएंगे, क्या रूट रहेगा, क्या पदयात्रा निकालेंगे या फिर कारों से निकलेंगे आप? नहीं, कोई कारों में नहीं जाएगा। धनखड़ जी यहां पर आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष 12:30 बजे एक उनकी जनसभा है, उसके बाद एक दो जगह छोटी बैठकों में वो बैठक लेंगे छोटी टोली, उसके बाद जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जितना भी व्यापारिक बोर्ड है, व्यापारिक वर्ग है, बाजार के दुकानदार हैं, वो सब लोग पुराने अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम करेंगे। हमारे साथ में पूर्व मंत्री पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए नगर परिषद के उम्मीदवार अंजू देवी को बनाया है, देखना है, समय लंबा है कि जीत किसकी होगी, परंतु विकास की बात जो कर रहे हैं कि विकास के लिए हमने उन्हें उतारा है, यहाँ विकास की जो कमियाँ हैं कोविड टाइम पर जो नहीं हो पाई उन पर हम पूरा करेंगे, उस पर खड़े उतरेंगे, लोग बाग जो चाहते हैं उनकी इच्छाओं की पूरी करेंगे। कल यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद होंगे जो कि कुछ सभाएँ लेंगे और ख़ासकर जितना बनिया समुदाय जो है उन सबको इकट्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी
में वोट डालने की अपील भी करेंगे, ऐसा इनका कहना है। चुनाव का 19 तारीख का है, कमल का निशान है, और 22 तारीख को जब चुनाव की काउंटिंग हो जाएगी, जीत किसकी होगी यह भविष्य बताएगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।